हेलो स्टूडेंट्स, काउंट्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं टीएस रिवार्ड 2019-20 का चैप्टर 2 गुडविल का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 बता दिया था और 1 से 4 तक लगभग उसी प्रकार का सारा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप लोगों ने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा, मैं उसे बताने जा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर हैं, ए और बी। ये लोग अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी को एडमिट किया जाता है फर्म में एज अ पार्टनर और सी को 2/5 शेयर के लिए जो है सो प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट में 2/3 प्रॉफिट जो भी होगा उसका शेयर मिलेगा सी को। अब यहां पर में जो है सो हम लोगों को गुडविल निकालना है, तो गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को यहां पर में 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है। 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है 2016 का, 2017 और 2018 का प्रॉफिट दिया गया है। तो किस इस आधार पर में किस तरह से हम लोग जो है सो गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल अमाउंट हम लोग निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला जो है सो पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर फिर से बताने जा रहा हूं। तो गुडविल गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ रहेगा और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो है सो फाइंड करना होगा। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, देखिए कैसे यहां पर मैं जो है सो फिर से बता रहा है कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो यहां पर ईयर एक्चुअल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट
नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं ईयर लिखेंगे, यहाँ जो है सो एक्चुअल प्रॉफिट जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, और एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस जो है सो ऐसा लॉस होता है जो जिस लॉस का हम कोई कल्पना नहीं किए थे, ऐसा जरूरी नहीं था कि ये होना था, ठीक ना। अचानक जो है सो किसी वजह से हमको एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे कि फर्म में किसी गोदाम में आग लग गई तो उसमें बहुत सारे सामान जल गए, तो वह इसका तो हम कल्पना नहीं किए थे, इसके बारे में कोई फिक्स जो है सो डेट नहीं था कि ऐसा जो है सो लॉस होगा ही हमको, लेकिन लॉस हो गया। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? उसी प्रकार से जैसे एबनॉर्मल लॉस अचानक आ गया, अचानक हो गया और हमको लॉस हो गया, ठीक ना, उसी प्रकार से कोई संपत्ति को हम जो है सो बेच दिए, कोई संपत्ति बेचने के बारे में सोचे नहीं थे लेकिन उसको जो है सो हम बेच दिए और उसमें हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट अचानक ही हमको हो गया, जिसका हम कल्पना नहीं किए थे, जिसके बारे में सोचे नहीं थे कि ये प्रॉफिट हमको होगा, लेकिन वह प्रॉफिट हमको हो गया, तो ये एबनॉर्मल जो है सो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस चीज को समझ गए आप लोग कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब हम लोग चले आए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि 2018 में प्रॉफिट हुआ है फर्म को 30,000 रुपये का। दो हजार अठारह में फर्म को 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। अब यहीं पर मैं साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 रुपया। आग लगने जाने से स्टॉक में जो है सो आग लग गया, जिसके वजह से क्या हो गया? 40,000 का जो है सो लॉस हो गया। तो ये जो 40,000 का लॉस हो गया ये एबनॉर्मल लॉस है। तो अब यहां सोचने की बात ये है कि फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ? 30,000 का, और 40,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया इस साल में 2017-18 में, यानी कि 2017-18 का एक वर्ष में था, इस वर्ष में फर्म को 40,000 का लॉस आग लगने से हुआ। तो यहां पर में हम जो है सो एबनॉर्मल लॉस में क्या दिखाएंगे? 40,000 रुपया। अब जरा सोचिए, यदि ये लॉस नहीं हुआ होता, यहां पर फर्म को 2018 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिस प्रॉफिट को फर्म दिखला रही है, और ये 40,000 का लॉस हो गया, अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो फर्म का प्रॉफिट क्या होता? बढ़ता। लेकिन ये लॉस हो जाने की वजह से फर्म का प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो इसलिए इस एबनॉर्मल लॉस को हम इसमें क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो 30,000 प्लस 40,000, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो कितना हो जाता? 70,000 रुपये का हमको प्रॉफिट होता। फर्म का प्रॉफिट कितना होता? 70,000 रुपया होता। लेकिन इस लॉस होने की वजह से 30,000 ही प्रॉफिट फर्म दिखला रही है। अब चले आइए हम लोग जो है सो 2017 को देखें। 2017 में फर्म अपना प्रॉफिट दिखला रही है कितना? 80,000 रुपये का। तो 2017 इसमें 80,000 का फर्म लॉस दिखला रही है। फर्म को लॉस हुआ है कितने रुपये का? 80,000 रुपये का ये फर्म को लॉस हुआ है। और इंक्लूडिंग अस्सी हजार का लॉस हुआ है, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। फर्म के कुछ स्टाफ
स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो जब फर्म के कुछ स्टाफ स्वेच्छा से कुछ या एक दो जो कुछ भी ठीक ना, तो स्वेच्छा से जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसी को जो है सो हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो स्वेच्छा से ले जाने से क्या, ले जाने की वजह से क्या हो गया, उन लोगों को 1,10,000 रुपया का फर्म को पेड करना पड़ा। तो 1,10,000 रुपया जो पेड करना पड़ा, तो ये जो खर्चा हुआ, अगर ये खर्चा नहीं हुआ होता, अगर ये खर्चा नहीं हुआ होता तो क्या होता, यहां पर मैं 1,10,000 रुपया जो है सो यहां पर मैं हम लोगों को दिखलाना है, यहां पर 1,10,000। ये फर्म सोची नहीं थी कि कोई हमारा स्टाफ जो है सो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेगा, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के वजह से फर्म को ये भी क्या हो गया, लॉस हो गया, 1,10,000 लॉस हो गया। तो अब यहां पर मैं जो है सो पहले से यहां पर मैं लॉस दे, तो इस वजह से यहां पर मैं इस साल में 2017 में 80,000 का जो है सो फर्म को लॉस दिखला रही है, फर्म लॉस दिखला रही है 80,000 का। और ये 1,10,000 फर्म जो है सो अपने स्टाफ को जो है सो दी है इस ईयर में, तो इतना रुपया जो फर्म दी अपने स्टाफ को जिसकी वजह से इसका लॉस हो गया इतना, यानी कि हुआ क्या, इसमें से इतना रुपया जो फर्म पेड की है तो इसके पेड करने के वजह से इतना रुपया का लॉस हो गया, यानी कि फर्म के पास में 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, फर्म के पास में 30,000 प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट था 30,000, लेकिन फर्म को भरना कितना पड़ गया, देना कितना पड़ गया, 1,10,000। तो 1,10,000 देने के वजह से फर्म का लॉस हो गया कितना का, 80,000 रुपये का। तो इसीलिए यहां पर मैं लॉस दिखलाया गया 80,000। बात समझ में आया, हुआ क्या, इस ईयर में 2017 में फर्म का प्रॉफिट था मात्र 30,000 रुपया, लेकिन प्रॉफिट था 30,000 रुपया, लेकिन फर्म को अपने स्टाफ को जो है सो रिटायरमेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उस स्टाफ को 1,10,000 देना पड़ गया, तो 30,000 प्रॉफिट हुआ था, देना पड़ गया 1,10,000 रुपया, तो 80,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर इस अमाउंट में से इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस कर लेने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 30,000, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इस ईयर में 2017 में 30,000 रुपया हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2017 में जो है सो 1,10,000 का प्रॉफिट दिखलाया गया है 2016 में 1,10,000 का प्रॉफिट दिखलाया गया है। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना दिखलाया गया, 1,10,000। अब इस साल में क्या हुआ है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट था उसको जो है सो फर्म क्या कर दी, बेची, तो उसे बेचने से 30,000 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो 30,000 रुपये का इस साल में 2016 में प्रॉफिट हुआ है, तो ये अबनॉर्मल प्रॉफिट है, कितना का, 30,000 रुपया। फिक्स्ड एसेट को बेचने से 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए अबनॉर्मल प्रॉफिट में 30,000 को दिखला दिए। अब यहां पर हम जो है सो नील लिख देंगे, और ये भी जो है सो डैश में लिख सकते हैं, ठीक है, नील, यहां पर मैं कोई प्रॉफिट जो है सो नहीं हुआ है, ये सब जगह खाली रहेगा, वैसे खाली भी छोड़ सकते हैं या नील भी जो है सो लिख सकते हैं। अब यहां पर मैं क्या हो गया, प्रॉफिट दिखाए हम कितना का, 1,10,000, और यहां पर मैं
ये एक्चुअल प्रॉफिट है और 30,000 का जो है सो यहां पर में क्या हो गया, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया है। अगर ये प्रॉफिट नहीं होता, अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो क्या होता, तो ये 30,000 से क्या होता, कम होता। अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ होता जो कि नॉर्मल अचानक हो गया, तो अचानक हो गया तो ये इतना नहीं होता। यहां जो फर्क निकला रही है 16 में 1,30,000 1,10,000 ये प्रॉफिट नहीं हुआ रहता, इसीलिए हमको यहां पर में नॉर्मल प्रॉफिट दिखलाना है, तो इसमें से इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80,000 रुपया। ये नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 2016 में फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 ही रुपया था, ठीक ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया था, इसलिए हम क्या किए उसमें से इसको माइनस कर दिए, तो हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे को जो है सो 16 का हो गया, 18, 17, 16 तीनों साल का जो है सो हम दिखला दिए। अब हमको क्या करना है, इस सब को जो है सो यहां पर मैं ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया, एक लाख 80,000 रुपया, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। हम यहां पर मैं दिखला देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,80,000 का हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहां पर हमारा जब हमको गुडविल निकालना होगा तो क्या लिखना होगा, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो अब इससे जो है तो हम एवरेज निकाल लेंगे, है ना, तो लिखेंगे यहां पर मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज निकालने के लिए जानते ही हैं क्या करना होगा, इसको जो है सो 1,80,000, इस 1,80,000 को कितने ईयर का है, 3 ईयर्स का है, तो 3 से हम जो है सो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60,000 रुपया, 60,000 रुपया आ गया। अब इस 60,000 को अब यहां पर मैं देखिए गुडविल हम निकालने जा रहे हैं, तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा आ गया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 रुपया, तो हम यहां लिख दिए 60,000 रुपया इंटू दिखाना है नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में हमारा जो है सो क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है, हम इसको 2 से जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया, 1,20,000 गुडविल हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम समझते हैं आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जो है सो उसे सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छा लग रहा हो समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।